हमारे अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई की तरह हैं। इनकी फैमिली के जितने भी फंक्शन होते हैं हम होते ज़रूर हैं, और क्योंकि बहुत अच्छे इंसान हैं, इनमें कोई शक नहीं है, इनके बारे में कोई कुछ गलत नहीं बोल सकता, और बहुत अपना काम भी बहुत अच्छा करते हैं, और उसके अलावा भी वो सोशल काम भी करते हैं, कुछ नए कामों में भी हाथ चलता रहता है, हाथ बटाते रहते हैं। तो वेरी नाइस पर्सन, और इनके हर काम में इनके अच्छे, कोई भी फंक्शन हो ना कहने को दिल नहीं करता है, जाने को मन करता है, बहुत अच्छे इंसान है। तो हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इनके बच्चे की शादी है, इनकी फैमिली हमेशा खुश रहें, थैंक यू वेरी मच। देखिए, इनका जितना अनुभव है हमारी उम्र भी नहीं हुई, तो इनके बारे में मैं क्या बोलूँ, बस इंसान मुझे एक गार्जियन स्वरूप लगे ये, और एक पिता का फील आता है इनसे मिलने के बाद। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है जी मैं अपने भाई की शादी के सेलिब्रेट करने आया हूँ, तो और इनका आशीर्वाद इस इंडस्ट्री को इतना मिला है, इन्होंने इतना कुछ दिया है, तो मेरे हिसाब से ऐसे लोगों का प्यार इस इंडस्ट्री के लिए हमेशा रहना चाहिए, और हम सब इनके बच्चे की तरह हैं, तो ऐसे पिता अगर हों तो शायद बच्चों को कभी जीवन में तकलीफ नहीं हो सकती है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पिछली बार भी इन्होंने हमको इनवाइट किया था अपने बेटे की शादी पे, पर उस समय पर मैं, दिनेश जी, हम लोग दोनों अवेलेबल नहीं थे, और इस बार भी दिनेश जी दिल्ली गए हुए हैं, चुनाव में बिजी हैं, लेकिन उन्होंने मुझे स्पेशली कॉल करके बोला कि सब शेड्यूल छोड़ के आप लोग वहाँ पहुँचिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट, ही हैज़ ऑलवेज बिन देयर। मैं 5 साल से जानती हूँ इनको, और आपने अपने परिवार के फंक्शन में बुला के हम लोगों को परिवार की तरह फील करवाया, थैंक यू सो मच। मैं कह रही हूँ मोती दान किए होंगे जो इतनी सुशील और इतनी अच्छी उनको बहू मिली घर पे पिछले जन्म में। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, ही इज़ वेरी ब्लेस्ड।